एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। और आज है 16th ऑफ अगस्त और मॉर्निंग एक्चुअली एकदम मॉर्निंग नहीं हो रही है, अभी 11:30 हो रहे हैं और टिम स्कूल में है, उसके पापा ऑफिस में ही हैं और मैंने अभी दाल बॉईल कर दी है और एक तरफ बन रहा है घी, क्योंकि मलाई एक कंटेनर पूरा मेरे पास में कलेक्टेड था तो मैंने सोचा कि अभी मलाई बना देते हैं। और मैं जिम से आ चुकी हूँ, मैंने नहा लिया है, जो मेरी क्लीन करने वाली थी वो क्लीन करके चली गई है और आज सिर्फ 30 मिनट्स के लिए ही मैंने जिम किया। हाँ, सो बस दाल बॉयल हो गई है लंच के लिए, तो बस टिमटिम के आने के बाद में ही, उससे पहले ही खैर मैं फ्राई कर लूँगी और राइस बनाऊँगी और थोड़ी भिंडी की सब्ज़ी बना दूँगी लंच में। तो मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और पुणे में आज सुबह से बारिश हो रही है, बहुत तेज़ वाली नहीं हो रही है लेकिन फिर भी ऐसी हो रही है कि आप भीग सकते हैं बाहर निकलेंगे घर से बिना रेनकोट या बिना अम्ब्रेला के। तो चलिए, मेरा घी भी ऑलमोस्ट बन गया है, अब बस मैं इसे स्ट्रेन कर लेती हूँ स्ट्रेनर से एंड फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। आप लोगों से मैंने बात की थी लंच से पहले और लंच भी हो गया, आफ्टरनून भी पूरी फिनिश हो गई, शाम भी हो गई और फाइनली मैं डिनर करने बैठी हूँ। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग फिर से फिल्म करते हैं, मैं दिखा दूँ आपको कि मैंने आज डिनर में क्या बनाया है। तो डिनर में मैंने बनाया है रोटी, देन करेले की सब्ज़ी, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, स्टफ्ड करेला मतलब जो भरवा करेला होता है वो, ये थोड़ा सा जल गया है क्योंकि मैंने मेरे हस्बैंड के भरोसे छोड़ दिया था कि उस गैस को बंद कर देना और उन्होंने गैस बंद नहीं किया, तो वो जो सब्ज़ी है वो थोड़ी सी जल गई है। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ दाल फ्राई बनाया है और टिमटिम मिसिंग है अपनी चेयर से, वो गई है हैंड वॉश करने, पिछले 3 मिनट से वो हैंड वॉश कर रही है, बस उसे बुला रहे हैं, टिमटिम आओ बेटा। सो 11 o'clock होने वाले हैं रात के और मेरा किचन मैंने पूरा क्लीन कर लिया, ऐसे क्लीन किचन कितना अच्छा लगता है ना। अब बस कल मॉर्निंग में उठूँगी टिमटिम के स्कूल जाने से 1 आवर पहले और जल्दी जल्दी टिफ़िन वगैरह बना लूँगी, वैसे अभी तक सोचा नहीं है कि क्या बनाना है बट देखते हैं। तो वही मैं आपको बता रही थी कि क्लीन किचन कितना, ये पूरा जो बर्तनों का पहाड़ा है ये जस्ट मैंने अभी लंच डिनर के बाद में वॉश किया, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ रात में सोने से पहले ही पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर लो ताकि जब आप सुबह उठ रहे हो तो पूरा किचन क्लीन मिल रहा है और आपका काम और अच्छे तरीके से बहुत जल्दी से हो जाता है। तो बस अब मुझे जाना है टिमटिम के बालों में ऑयलिंग करना है, मैंने उसका शैम्पू आज कल किया था, मैंने वेडनेसडे को किया था, तो बस मुझे आज उसके बालों में ऑयल लगाना है और ऑयल लगाते लगाते बताती हूँ कि मैं कौन सा ऑयल लगाती हूँ और क्यों लगाती हूँ। अभी मैं लगा रही हूँ टिमटिम के बालों में ऑयल और मैं लगा रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, जो कुकिंग के लिए मस्टर्ड ऑयल लाती हूँ मैं वही मैं इसके बालों में भी लगाती हूँ। और मेरे हिसाब से
बच्चों के लिए बेस्ट ऑयल होता है मस्टर्ड ऑयल. बहुत सारे लोग इसकी महक की वजह से नहीं लगाते हैं और इसका जो कलर होता है वो तकियों में थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए भी बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं. बट मेरा एक सजेशन है, एक बार आप अपने बच्चे को मस्टर्ड ऑयल लगा कर देखना. न्यूबॉर्न को भी लगा सकते हैं. टिमटिम न्यूबॉर्न थी तब से ऐसे लग रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी मम्मी ने जितने भी बच्चों को अभी तक के संभाला है, चाहे हम लोग हों या हम लोगों के बच्चे हों, सबको उनने मस्टर्ड ऑयल ही लगाया है बालों में और सबके बाल टचवुड अच्छे हैं. जैसे कि जो मेरी सबसे बड़ी दीदी हैं, हम लोग तीन सिस्टर्स हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, तो जो मेरी सबसे बड़ी दीदी हैं वो 35 इयर्स की. छोटी सिस्टर है मम्मा. तो बेटा आप मेरी बेटी हो. दूसरा फ्रेंड बोलता ये मेरी छोटी सी सिस्टर है. ओके, तो मेरी जो सबसे बड़ी दीदी है उसके भी अभी तक के जो हेयर है वो वाइट होना स्टार्ट नहीं हुए 35 इयर्स. वैसे 35 इयर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, बट ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आजकल 20 साल के बच्चों के भी बाल पक जाते हैं. तो मेरा ये बताने का मोटो ये है कि आप एक बार मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना स्टार्ट करिए. वो हर चीज़ के लिए, चाहे ग्रे हेयर हो, हेयर को स्ट्रॉन्ग करना हो, सॉफ्ट करना हो, हेयर फॉल रोकना हो, हर चीज़ के लिए मस्टर्ड ऑयल बेस्ट होता है. तो इसलिए मैं टिमटिम को मस्टर्ड ऑयल ही लगाती हूँ. और मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको रात में सोने से पहले ही लगाऊँ. अब जैसे मैंने आज लगाया है तो मैं कल इसको शैम्पू नहीं करूँगी, अब मैं डायरेक्ट संडे को शैम्पू करूँगी. मैं वीक में 2 times शैम्पू करती हूँ इसको, 2 times से ज़्यादा नहीं करती हूँ. और मैं इसका एक प्रॉपर हेयर केयर रूटीन बनाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं इसके हेयर केयर रूटीन पर वीडियो बनाने के लिए, तो वो भी मैं बनाऊँगी बहुत जल्दी. आज एक्चुअली नेक्स्ट डे हो गया है और उसकी नाइट भी हो चुकी है. मैंने कल रात में ही आप लोगों से बात की थी, टिमटिम की ऑयलिंग वगैरह की थी, और फिर उसके बाद आज दिन भर मैंने कुछ भी नहीं किया व्लॉगिंग में. मैंने मेरे मेन चैनल के लिए नो डाउट कुछ वीडियोस बनाए हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रही थी, अपने आप को थोड़ा टाइम दे रही थी. क्योंकि अगर मैं मेन चैनल के लिए भी वीडियोस बनाती हूँ, साथ में अगर व्लॉग्स पे भी काम करती हूँ, तो वो मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है. एंड आई एम श्योर आप इस प्रॉब्लम को समझेंगे. तो आज आपका फिर से स्वागत है मेरे किचन पे. एंड अभी मैं डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ. डिनर में एक्चुअली मैं दाल चावल और वो जो मैंने उस दिन क्रिस्पी पकौड़े आपको बताए थे, भजिए बताए थे आलू के, वो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि प्रीति उसकी रेसिपी शेयर करो, तो मैं आज वो ही बनाने वाली हूँ. तो मैंने सोचा कि चलो शेयर करते हैं वो चीज़ आपके साथ में. एंड बहुत इजी होती है, बहुत क्रिस्पी होती है. और क्या मुझे शेयर करना था आपसे. और मैंने आज गाजर के हलवे भी बनाया, गाजर का हलवा भी बनाया, और मैंने आफ्टरनून में बनाया था. टिमटिम एक्चुअली बोल रही थी उसको पसंद है, बहुत कम चीज़ें हैं जो उसे अच्छी लगती है मीठे में, खासकर मीठा उसे बिल्कुल पसंद नहीं है. तो उसको गाजर का हलवा कलर के वजह से आई थिंक अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने बनाया. तो वो भी अभी है फिलहाल डिनर में, लेकिन वो स्वीट में खाएंगे खाना खाने के बाद में. तो चलिए शुरुआत करते हैं आलू के क्रिस्पी भजिए बनाने की. उसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो पटेटोज़ हैं इन्हें वॉश कर लिया है. मैं यहाँ 5 पटेटोज़ ले रही हूँ, इनको मैंने वॉश कर दिया है. लेकिन इसका मैं छिलका नहीं निकालूंगी, मैं छिलके के साथ में बनाऊंगी. मुझे ऐसा लगता है कि छिलके के साथ में ज़्यादा अच्छे लगते हैं. आप चाहे तो आप छिलके निकाल सकते हैं, बट मैं छिलका नहीं निकालूंगी. तो चलिए अभी सबसे पहले इसको हम बारीक बारीक काटते हैं, जैसे हम सब्जी काटते हैं वैसे काटते हैं इसे, मतलब एकदम पतला पतला, एकदम बारीक बारीक काटना, एकदम पतला पतला. और इसमें कलेक्ट करती जा रही हूँ. ये देखिए एकदम बारीक सा काट लिया है हमने, बिल्कुल पतला पतला सा इसे काटा है. अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी और इसको थोड़ा वॉश करेंगे. वैसे इसे काटने से पहले भी मैंने इस आलू को अच्छे से वॉश किया था, क्योंकि मैंने इसका छिलका नहीं निकाला था. बट इसे कट करने के बाद भी वॉश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो इसका ये वाइट वाइट सा स्टार्च है, जो पटेटो का स्टार्च होता है, वो हमें इसमें से निकालना है. इसलिए मैंने इसे वापस से पानी में धोया. आप चाहें तो आप इसको थोड़ी देर पानी में डाल करके ऐसे छोड़ सकते हैं फॉर 5 minutes, बट मेरे पास अभी फिलहाल इतना टाइम नहीं है, तो मैंने बस इसे वॉश कर दिया और अब ये पानी में फेंक दूंगी. बिल्कुल हमें आलू सूखा सा चाहिए. ये मैंने पूरा पानी फेंक दिया है. अब हम
इसमें मिलाएंगे सारी चीज़ें, लेकिन उसके पहले मैंने ये थोड़े से लहसुन और अदरक लेके रखा है, इससे मैं कूट लेती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लहसुन और अदरक है इसे मैंने अच्छे से कूट लिया है। ये जो आलू हमने काटा है इसमें हम इसे डाल देंगे। अब इसके बाद इसमें बेसन डालना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, इस पकौड़े में बेसन बहुत ही कम डलता है, ज़्यादा बेसन नहीं डालना है हमें। मैंने ये करीब 5 आलू लिए थे तो उसमें मैंने सिर्फ 1.5 चम्मच ही बेसन डाला है, बाद में अगर मुझे लगेगा तो मैं थोड़ा और ले लूँगी। देन इसके बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी, फिर उसके बाद इसमें मैं डालूँगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी मैं, एक्चुअली ये ऑप्शनल है बट अजवाइन थोड़ा डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, दैट्स व्हाई मैं डाल देती हूँ, थोड़ा सा जीरा। देन इसमें मैं डालूंगी हींग, फिर उसके बाद में एट लास्ट मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। एंड यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसमें पानी ऐड नहीं करना है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि इसमें आपको पानी ऐड नहीं करना है। पानी ऐड करेंगे तो वो क्रिस्पी बहुत मुश्किल से बनेंगे और वो प्रॉपर अच्छा वाला जो टेस्ट होता है ना वो नहीं आएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर पानी नहीं डालना है। जो आलू थोड़ा सा गीला था प्लस जो लहसुन और अदरक हमने इसमें कूट के डाला उनमें जो गीलापन था उसकी वजह से ही ये जो बेसन है ये आराम से इस पटेटो में चिपक रहा है, दैट्स इट। इसमें अभी और क्या बोलते हैं पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा बेसन और डालूंगी, वैसे इतना सफिशियंट है बट मैं फिर भी थोड़ा सा डालूंगी, और अभी रेड चिली पाउडर डालना रह गया है वो भी डालूंगी मैं। डाला बेसन थोड़ा सा, अब रेड चिली पाउडर, आप इसमें ग्रीन चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, मतलब जब आप वो लहसुन और अदरक कूट रहे थे तभी आप इसमें ग्रीन चिली भी कूट सकते हैं, मतलब हरी मिर्ची भी कूट सकते हैं। बस अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दैट्स इट। अब इसमें और बेसन की ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशियंट है। जितने अच्छे मसाले डालेंगे आप उतना ज़्यादा टेस्टी होगा, और लहसुन डालने से तो और अच्छा टेस्ट आता है। इसमें हरी धनिया भी अगर डालेंगे तो और अच्छा लगेगा, बट मेरे पास अभी हरी धनिया खत्म हो गया, कल जाऊंगी मैं सब्जियां लेने। ओके, तो देखिए ये हमारे जो आलू है वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। आई होप कि ये जूम अच्छे से हो रहा है। यस, ये देखिए ऐसा दिखेगा ये आलू, मतलब इसमें ऊपर एक पतली सी बस लेयर रहेगी बेसन की। ऑयल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, ये है फल्ली का तेल, बट अगर आप इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे सरसों के तेल में तो और टेस्टी लगेगा, बट मेरी कढ़ाई में ऑलरेडी फल्ली का तेल था, दैट्स वाई मैं यहाँ फल्ली का तेल ही यूज़ कर रही हूँ, फल्ली के तेल में ही बना रही हूँ। अब चेक कर लेते हैं हम कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। ऑयल गर्म हो गया है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे उठाना है आलू को ऐसे और इसमें डाल देना है। ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि बिल्कुल चिपके चिपके से आलू हो जाएंगे, वो तेल में जाते ही अलग हो जाते हैं। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप इसको मीडियम फ्लेम से कम ना करें, हायर और मीडियम के बीच में ही रहना चाहिए तभी ये क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपने इसे सिम पे कर दिया, बिल्कुल लोअर फ्लेम पे कर दिया, तो ये थोड़े सॉफ्ट से बन जाएंगे। और इसको आपको कंटिन्यू थोड़ी देर से हिलाना शुरू कर देना है ताकि ये जले ना। अभी मैंने फ्लेम कम नहीं की है, अभी मैं इसी फ्लेम में इसको थोड़ा पकाऊंगी। और ऐसा ना सोचे कि शायद आलू नहीं पकेंगे, गरम गरम तेल में जब आलू जाते हैं तो वो अपने आप पक जाते हैं, और हमने तो बहुत ही बारीक काटा है। फ्लेम कम ना करें और ध्यान, मतलब मेक श्योर कि ये सारे जो आलू है वो ऑयल के अंदर डूबे हुए रहे। देखिए अभी तक के मैंने इसे हायर फ्लेम में ही करा, अब मुझे इसका कलर दिख रहा है कि अच्छा आ रहा है, तो अब मैं इसको मीडियम फ्लेम में कर दूंगी। थोड़ा सा मैं इसके जो आंच है उसे कम कर दूंगी, लेकिन बिल्कुल सिम नहीं करना है कि तो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बस अब इसे ऐसे ही थोड़ी देर पकने दें, बीच बीच में आप इसे हिला सकते हैं। अभी से ही जो मेरे पकौड़े हैं थोड़े क्रिस्पी हो गए हैं, इनमें से
आवाज आ रही है, जैसे अगर हम कुछ कड़क चीज तलते हैं तो आवाज आती है, वैसी आ रही है इसमें से आवाज। आपको बस फ्लेम का ध्यान रखना है एंड सेकेंडली इस चीज का ध्यान रखना है कि आप इसमें एक्स्ट्रा पानी ना ऐड करें और बेसन कम ऐड करें। ये देखिए, ये बन गए हैं हमारे क्रिस्पी पकौड़े। कलर देखिए आप, कलर आपको एग्जैक्टली ऐसा ही लाना है। सो ये है मेरे क्रिस्पी पकौड़े, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी। सो इतनी इजी थी ये रेसिपी एंड प्लीज इसे जरूर ट्राई करना। बहुत अच्छा वेदर वैसे भी चल रहा है, रेनी डेज चल रहा है, रेनी डेज में तो ये खाने में मजा ही आ जाएगा। आई डोंट नो आपको आवाज आई होगी कि नहीं, नहीं पता आई कि नहीं, बट सच में बहुत क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी है, जरूर ट्राई करना। और मैं श्योर हूँ आपकी फैमिली वालों को ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आता है। चलिए अब मैं बाकी की प्रोसेस कंप्लीट करती हूँ, फिर हम डिनर करेंगे। ओके, तो हम लोग आ गए हैं अभी डिनर करने के बाद, हम वॉक करने चले गए थे। और ये जो खटखट आवाज आ रही है, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि हमारे नीचे वालों के वो चल रहा है, आई थिंक उनको बंद कर देना चाहिए क्योंकि अब रात का टाइम है। बट हाँ, तो मैं आपको क्या बोल रही थी, मुझे आप लोगों से एक चीज शेयर करनी थी। जैसे मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वेट लॉस के बारे में बताने के लिए, हाँ तो मुझे एक चीज याद आई थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैं वेट लॉस के बारे में बताऊं कि मैंने कैसे वेट लॉस किया था, तो मुझे एक चीज ध्यान आई, मुझे आपके साथ में एक चीज शेयर करना चाहिए। मेरी एक फ्रेंड है जिनका चैनल का नेम है ईट फिट हैप्पी, और वो एक्चुअली अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करती हैं उस चैनल पे। मतलब जब उनका बेबी का बर्थ हुआ था तब वो 75 के अराउंड थी और अब वो 50s में चली गई हैं वेट में। तो वो उन्होंने हेल्दी वे में कैसे वेट लॉस किया, आई थिंक 1.5 साल या 2 साल में उन्होंने ये वेट लॉस किया है। वो अपने चैनल में ये सारी चीज़ें शेयर करती हैं कि उन्होंने क्या किया था, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको मिलेगा। मैं बताऊंगी क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी वापस से पुट ऑन कर लिया, तो मैं बताऊंगी उससे बेटर आई थिंक आपको उनका चैनल के वीडियोस देखने चाहिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो जो भी वेट लॉस के लिए सोच रहा है और जिसने भी मुझसे पूछा था, मैं उनके चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक कर लेना उनका चैनल। बहुत ही आई थिंक मैं श्योर हूँ कि आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और मैंने वेट लॉस कैसे किया था उस टाइम पे, मैंने एक्चुअली थोड़ा डाइट किया था, मतलब मैं बाहर का नहीं खाती थी और रात में भी खाना मैंने ऑलमोस्ट स्किप कर दिया था। और मैं क्या करती थी, मैं 1 माइल ब्रिस्क वॉक करती थी पहले के कुछ एक हफ्ते, मैंने 1 माइल ब्रिस्क वॉक किया डेली जब टिमटिम आफ्टरनून में सो जाती थी उसके बाद। फिर उसके बाद में मैंने 3 माइल ब्रिस्क वॉक करना स्टार्ट कर दिया था, और ये मैं यूट्यूब से देख के करती थी। यूट्यूब में आप सर्च करेंगे लेज़ली लुईस वन माइल वॉक और लेज़ली लुईस 3 माइल वॉक, ऐसा आपको वीडियो मिल जाएगा, तो मैं उसी को देख के करती थी। तो मैंने ये सिंपल वे में किया था, बट मैंने जब स्टॉप किया तो मैंने फिर से पुट ऑन कर लिया। तो आप, मैं जिनका आपको बता रही हूँ उनका चैनल ज़रूर देखिए, क्योंकि उन्होंने अपने वेट को बिल्कुल कॉन्स्टेंट कर लिया है, तो आई थिंक आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं उनके चैनल की जो लिंक है वो नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। और मैंने अभी तक मेरा नाइट टाइम रूटीन वगैरह कुछ भी नहीं किया है, बस जाऊंगी अभी चेहरा वगैरह धोऊंगी, बहुत स्वेटिंग हुई है। एक्चुअली हम लोग थोड़ा वॉक के लिए गए थे गार्डन, लेकिन बारिश होने लग गई तो फिर जल्दी आ गए, नहीं तो टिमटिम को हम लोग ले गए थे कि थोड़ा खेल लेगी। अभी क्या हो रहा है, पुणे में पास्ट 1 वीक से फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, तो अब बच्ची को उतना खेलने नहीं मिलता है, तो थोड़ा मौसम खुला था तो हम नीचे लेके चले गए थे, बट फिर से होने लग गई बारिश। और कल सैटरडे है, तो आज मैंने मेरा किचन क्लीन नहीं किया, अभी बर्तन ऐसे ही रखे हैं, और मैं, मुझे बहुत आलस आ रहा है एक्चुअली। मैं सोच रही हूँ करूँ कि नहीं करूँ, कल मॉर्निंग में उठ के करूँगी, क्योंकि कल टिफिन का तो कोई टेंशन है नहीं, तो बस वही है। ये दोनों इतना इरिटेट कर रहे हैं ना मुझे, खिसपिस करके, मतलब डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड, क्या करूँ लेकिन। तो चलिए ठीक है, हाँ तो बस इतना ही था, और मैं ये वीडियो यहीं पर फिनिश कर रही हूँ। 2 दिन का मिक्स है ये वीडियो, बट कल मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं आपके साथ एक अच्छा रूटीन फिल्म करूँ आपके लिए, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अच्छा लगा है तो फिर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।